कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पत्र पर जेपी नड्डा के जवाब ने नया बवाल खड़ा कर दिया है। कांग्रेस अब जेपी नड्डा और बीजेपी पर हमलावर है। दरअसल जेपी नड्डा ने अपने पत्र में बीजेपी नेताओं के बयानों पर आपत्ति जताने और खेद जताने के बजाय एक तरह से उनके बयानों को सही ठहरा दिया, जिस पर अब कांग्रेस भड़क उठी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा। उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू का जिक्र करते हुए कहा कि देश ने एक ऐसे प्रधानमंत्री को भी देखा है जिन्होंने 17 वर्षों तक उन्हें भेजे गए सभी आधिकारिक और व्यक्तिगत पत्रों का जवाब दिया, जैसा कि उनके चुनिंदा कार्यों के 100 से ज्यादा वॉल्यूम प्रमाणित करते हैं। वहीं रमेश ने तंज कसते हुए आगे लिखा कि मुझे लगता है कि स्वघोषित परमात्मा के अवतार कुछ अलग ही होते हैं। बता दें कि राहुल गांधी को बीजेपी नेताओं की तरफ से लगातार मिल रही धमकियों को लेकर खड़गे ने पीएम को पत्र लिखा था, लेकिन इसका जवाब जेपी नड्डा की तरफ से आया और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने अपने पत्र में राहुल गांधी और सोनिया गांधी सहित तमाम कांग्रेसी नेताओं को घेर लिया। यानी नड्डा के पत्र ने अब बीजेपी की मानसिकता पर सवाल खड़े कर दिए। नवादा जिले के ददौर स्थित कृष्णा नगर दलित बस्ती में 80 घरों को फूंक दिया गया। घटना की वजह भूमि विवाद को बताया जा रहा है। मामला कोर्ट में चल रहा था कि अचानक दबंगों ने दलित बस्ती पर हमला कर दिया। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि देर रात अचानक 100 से ज्यादा लोगों ने बस्ती को घेर लिया। पीड़ित लक्ष्मीनिया देवी ने बताया कि हम लोग की बस्ती सरकारी जमीन पर है, गाँव के कुछ दबंग इस पर कब्जा करना चाहते हैं। वो अपने साथियों के साथ आया और इस घटना को अंजाम दिया। बहुत नुकसान हुआ है। नवादा प्रशासन ने दावा किया है कि मुख्य आरोपी नंदू पासवान सहित 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि महाजंगल राज, महादानव राज, महाराक्षस राज, नवादा में दलितों के 100 से अधिक घरों को फूंक दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेफिक्र, एनडीए के सहयोगी दल बेखबर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि नवादा में महादलितों का पूरा टोला फूंक देना, 80 से ज्यादा परिवारों के घरों को नष्ट कर देना बिहार में बहुजनों के विरुद्ध अन्याय की डरावनी तस्वीर उजागर कर रहा है। अपना घर संपत्ति खो चुके इन दलित परिवारों की आवाज़ और गोलियों की गूंज से वंचित समाज की गुहार बिहार की सोई हुई सरकार को जगाने में कामयाब नहीं हो पाई। बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दलों के नेतृत्व में ऐसे अराजक तत्व शरण पाते हैं, भारत के बहुजनों को डराते हैं, दबाते हैं ताकि वो अपने सामाजिक और संवैधानिक अधिकार भी न मांग पाए। और प्रधानमंत्री का मौन इस बड़े षड्यंत्र पर स्वीकृति की मोहर है। बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल के बाद अब आतिशी दिल्ली की नई सीएम बनने जा रही हैं। आतिशी 21 सितंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। उनके साथ 5 मंत्री भी शपथ लेंगे। दिल्ली में नई सरकार के साथ ही मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि सभी मौजूदा मंत्री बरकरार रह सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन को मंत्रिमंडल में बरकरार रखा जाएगा। मुकेश अहलावत भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेंगे। ये पार्टी का दलित चेहरा है। अगले 3 से 4 महीने में दिल्ली विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी कैबिनेट में एक दलित चेहरा शामिल कर रही है। दिल्ली में इनके मतदाता बड़ी संख्या में हैं। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंप दिया। आतिशी ने नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया, जिसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने राष्ट्रपति और गृह मंत्रालय को पत्र भेजकर 21 सितंबर 2024 को आतिशी को सीएम पद की शपथ दिलाने की तिथि प्रस्तावित की थी। इस पर पार्टी ने भी अपनी सहमति जताई।